गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो सुबह के बजे हैं 6:30 और आज एक्चुअली हम लोग की नींद खुल गई थी 3:30 बजे ही, क्योंकि अब से दुर्गा पूजा का टाइम टेबल कुछ ऐसा है, मतलब शुभ मुहूर्त वगैरह जो भी होता है तो वो सब रात को है, मतलब 3:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो फिर वो पूजा का जो आवाज़ है, क्योंकि हमारे यहीं पास में ही मंदिर है और माइक वगैरह सब स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो इसलिए नींद खुल जाता है। क्योंकि अभी जस्ट पूजा ख़त्म हुआ तो मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि इतनी देर तक इतनी आवाज़ थी कि मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी। तो आज है सप्तमी, तो आज क्या करते हैं वो आप लोग को ब्लॉग में देखने मिलेगा। क्योंकि कौस्तुभ को है बुखार, तो जिसकी वजह से हम लोग सुबह तो निकले नहीं और अब निकलेंगे रात को। रात को शायद अगर वो उसकी तबीयत ठीक रही तो ही हम लोग निकलेंगे, नहीं तो फिर आज रेस्ट करके फिर ही हम बाकी के 2 दिन एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आई होप हमारे व्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगे। तो अब मैंने लगाया नेल पेंट, क्योंकि 2 दिन से मैं नेल पेंट लगाना एकदम भूल गई थी, तो रेड नेल पेंट लगाया क्योंकि पूजा का दिन है तो सब कुछ रेड पिंक वैसा कुछ पहनना होता है, तो इसीलिए। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में करेंगे लंच। वैसे तो टाइम हो रहा है 10:30, तो कल एक्चुअली हम लोग इतने टायर्ड थे, अच्छे से सोए भी नहीं थे, तो अभी जस्ट सो के उठी, मतलब उठी थी फिर ब्रेकफास्ट की फिर सो गई। 10:30 हुआ है टाइम, तो इतनी जल्दी लंच करने का तो मन नहीं करता है, तो कौस्तुभ को उठा के लाई हूँ, चाय पियेंगे थोड़ी बहुत, उसको भी बेटर फील होगा थोड़ा। अभी तो धूप वगैरह है पर ये बहुत अच्छी धूप है, मतलब इसमें गर्मी नहीं हो रहा है। कल निकले थे ना बाहर तो कल ही गर्मी था, और आज अभी घर पे हैं तो अभी अच्छा वेदर है, मतलब ये हम लोग के साथ ही होता है हमेशा। तो अभी कौस्तुभ को थोड़ा बेटर फील हो रहा है मेडिसिन लेने के बाद। बजे शाम के 3:30 पौने 4, तो जस्ट अभी नींद खुला, बहुत सोए आज। आज मतलब एकदम रेस्ट हो गया इतने दिनों से जो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे हम लोग। तो अभी हम लोग निकले हैं, निकल के जाएंगे घर पे और उस घर पे जाके ब्राउनी से खेल खूल के फिर हम लोग 1 कप और चाय पी के 6:30 बजे तक निकलेंगे। हेलो कृष्णा ब्राउन। तो हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी 1 कप चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि डिनर का प्लान है। तो अभी तो सिर्फ 5:30 बजा है, अभी जाएंगे तो रेस्टोरेंट में कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं होगा। और मैं कैसे लग रही हूँ रेड साड़ी पहन के, ये आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना। तो पहना है ये ग्रे वाइट, ले हम लोग ऐसे मैच करके पहनते थे, पर जब से वो वेस्टर्न पहनना स्टार्ट किया है, मतलब कुर्ता नहीं पहनता। आई होप कल वो कुर्ता पहने क्योंकि कल अष्टमी है, तो फिर हम लोग मैच करके पहन सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं होता है। किसने जाना एक्टा ब्लॉग हमार सब्सक्राइबर हम क्या बोले सच ए क्यूट ब्लॉगर ललदा के आज ऑफिस छुट्टी है, लल्लू दे आज ऑफिस छुट्टी है। तो अभी हम लोग आए हैं हाउस ऑफ रॉयल्स में खाने, तो यहीं पे अभिषेक दालों को हम लोगों ने बुलाया था। तो वो लोग एक्चुअली साउथ से आते हैं, तो इस बार एवरी टाइम हम लोग साउथ जाते हैं, तो इस बार वो लोग नॉर्थ आए हैं। तो हम लोग कहाँ खाने आए हैं वो आप लोग को दिखा। तो हम लोग आए हैं हाउस ऑफ रॉयल्स, ये बहुत सुंदर से बनाया है, और खाना कैसा है वो अंदर जाके दिखाते हैं। ये है दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉक कुर्ची, ये दिख दें। अच्छा तो इतने दिनों बाद हम लोग मिले देख ले तो बेइज्जत ही कौन है। আমরা 12টা বলুন না পার্টি মানে বলুন তো একটা কি পার্টি ওই এটা নেই তোমাদের তো আ গিয়া হে হাম লোগ কা ফিশ ফ্রাই ভেটকি ফিশ ফ্রাই তো আপ লোগ দেখ সকতে হো ইয়ে ফিশ ফ্রাই কিতনা বড়া হে আশুন দিটা
तो ये है कीमा पाव বিরিয়ানি তুমি বানাও তুমি বানাচ্ছি এক্সপ্রেশন তো तो आ गई है हम लोग की बिरयानी। ये है कीमा मटर मसाला, ये है चिकन चाप एंड मटन बिरयानी। तीन के प्लेट थे। মুড়ির মতো ও আলুটাকেও তো ভাগ ভাগ করতে হবে। আমি আলু খাই তো ইতনা বড় মটন কা পিস আমি তো মটন পিস খাবো না। এটার মধ্যে লিভারও আছে। এটা শখ।
तो हम लोग का बिरयानी खाना हो चुका है। बिरयानी तो काफ़ी अच्छा था बट केवड़ा वाटर थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था हमें, तो वो हमें लग रहा था, आप लोग को अच्छा भी लग सकता है, जिनको पसंद है तो आप लोग आके खा सकते हो। तो ये है हाउस ऑफ रॉयल। तो अभी हमारा फोटो सेशन चल रहा है, द बेस्ट फोटोग्राफर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आमार पोस्टा कर लेना, मुख खुली है। চলো তাহলে কোথায় মেলায় যাবো, তো ঠাকুর দেখতে এখন? হ্যাঁ ঠাকুর ঠাকুর ওই। তো আমি আমরা আয়ে হ্যাঁ বাস্কিন এন্ড রবিন্স আইসক্রিম খানে কে লিয়ে, পর কস্টপ কি কস্টপ কো তো কোল্ড হ্যায় তো ও শায়দ নেই খায়েগা, আর পিছে আর ফটোগ্রাফি চল রহি হ্যায়। তো হাম আন্দর ক্যা ক্যা হ্যায় খানে মে, দাদা ব্লগ করছি কি কি ফ্লেভার আছে। ও আচ্ছা ট্যাগ আছে। অনেক আগে আমি একটা ফ্লেভার খেয়েছিলাম, ওটা আমি পাচ্ছি না কোথাও, চকলেটের চকলেটের মধ্যে আবার একটু একটু চকলেট থাকে। হ্যাঁ বেবেরিনটা আমিও অনেকবার খেয়েছি। কালকে বিফোর 12:30 1 হ্যাঁ হ্যাঁ শরীর ঠিক থাকছে, চলো তারপর আরে ওই 3-4 দিন থাকবে, আমার মায়েরও আছে এখনো, আমার মার জ্বর হয়েছে রোস্টেরি হ্যাঁ স্যাটারডে মর্নিং হ্যাঁ জেন্স নই কে আনতে বলছি কালকেটা একটু হতে পারে না দেখে না আমি দেখে না পরশুদিন ব্রেকফাস্ট সকালে কেমন লাগছে কালকে একটু এই রোস্টারে খোলে কটায় গো 8টায় খুলে যায় আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আর্লি মর্নিং খুলে আমরা 7টা 8টা তে উঠি এই জটটা বাজে ও তো আমাদের লাভ অ্যানিভার্সারি 15 ইয়ার্স হল ঠিক আর তুমি আমাকে বিকাশুল দিয়েছিল ওটা দিয়ে আমি উঠেছিলাম এই জটটা তো মানে এত শরীর খারাপ কোনোদিনও হয়নি মানে তারপরে মানে এটা এটা জ্বরের আফটার এফেক্ট আরো বাজে আমার মনে হচ্ছে এই জ্বরটাই এর সবার এই কোভিডের মতো হ্যাঁ এই ওর ডান দিকেই তো তোর মামা দাদুর বাড়ি মামা দাদু তো মারা গেছে तो गाइज अभी 11 बज गया है और काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग को इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज काफ़ी मज़ा आया इतने दिनों बाद सबसे मिलके, तो
तो कल फिर से देखते हैं कौस्तुभ की तबीयत कैसी रहती है, उसके बाद ही प्लान बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और खूब सारे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।